यूएई में 19 सितंबर से हो रहे हैं आईपीएल 2020 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना के भारत वापस लौटने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। अब तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि आईपीएल 2020 में जीत का खाता भी खोलने में कामयाब नहीं होगी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सुरेश रैना के प्रकरण से टीम उबर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्वदेश वापसी के बाद सुरेश रैना ने कई बड़े खुलासे किए हैं। रैना के इस खुलासे के बाद भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूएई पहुंचने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ने सुरेश रैना के साथ सौतेला व्यवहार किया, जबकि सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी की तरह आलिशान होटल में ठहरना चाहते थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खड़े हुए इस विवाद को लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। कयास तो दोस्तों ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुरेश रैना अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कभी नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि पठानकोट में सुरेश रैना के बुआ के घर कुछ लुटेरों ने धावा बोल दिया था, जिसमें सुरेश रैना के फूफा की मौत हो गई। इस हादसे से हताश सुरेश रैना ने पंजाब के मुख्यमंत्री समेत पीएम मोदी से भी न्याय की अपील की है। खैर, भले ही सुरेश रैना के स्वदेश वापसी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि बुआ के घर हुए इस हादसे के बाद सुरेश रैना ने भारत लौटने का फैसला किया है। देखा जाए तो अभी आईपीएल शुरू होने में लगभग 2 हफ्तों का समय बाकी है। ऐसे में रैना के यूएई वापस लौटने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बुआ को न्याय मिलने के बाद सुरेश रैना वापस चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जो सुरेश रैना की कमी को पूरा कर सकते हैं। रैना की गैर मौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की निगाहें टिकी रहेंगी शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, फाफ डुप्लेसिस और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर। खासतौर पर विश्व के सबसे बेहतरीन कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आईपीएल के दौरान मात्र 20 गेंद पर शतक जड़कर वे इतिहास रच देंगे। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास रविंद्र जडेजा जैसा धाकड़ ऑलराउंडर बल्लेबाज भी है, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के दम पर भी सीएसके की टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखता है। रविंद्र जडेजा के फैंस की माने तो आईपीएल के दौरान मात्र 18 गेंद की पारी में शतक जड़ सकते हैं।